गुरु जी की फतेह। अज आप जी नूं दर्शन करवाण लई पहुंचे होए हां कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इतिहासक गुरधाम गुरद्वारा बिपौर साहिब विखे। यह गुरद्वारा नंगल विखे बहुत ही रमणीक शिवालिक दीआं पहाड़ियां दे विच है। ये वो जगह है जिस जगह तो कलगीधर पातशाह जी ने मुगलों के नाल बहुत सारे ते पहाड़ी राजां नाल युद्ध किए। इत्थे सतगुरां बाणी भी रची और इस ही जगह पर सतगुरु जी राजां नूं मिलदे भी रहे। बड़ी पवित्र जगह है और बहुत ही रमणीक जगह है। तो आओ सतगुरां दे पवित्र इस अस्थान के दर्शन करो गुरवेल सिंह दे नाल। ते आपां चलदे हां सारे दर्शन करदे हां। आओ जी पहले असी इस गुरद्वारा साहिब का जानते हाँ इतिहास जो कि इतों के बोर्ड से श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लिखाया गया है। गुरद्वारा श्री बिपौर साहिब पातशाही दसवीं यह गुरद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की याद विच है। इतों के राजा रतन राय की बेनती प्रवान करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इस अस्थान पर कई महीने बिराजे सन। संबत 1755 अर्ध सैस फुन तीन कहिजा भाद्रव सुधी अष्टमी रव वारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। संबत 1753 भाद्रों सुधी अष्टमी ऐतवार वाले दिन कलगीधर पातशाह जी ने सतलुज के इस कंडे इस पवित्र अस्थान पर चौपाई साहब का उच्चारण किया। जिस तरीके दे नाल इत्थों दा इतिहास लिखा गया है वह मैं आप जी नूं सरवण कराया है। जदों इत्थों असी चलते हाँ तो सब तो पहले आंदा है कड़ा प्रसाद वाली जगह जिथों संगत सतगुरां दे चरणा च अर्पण करन लई कड़ा प्रसाद लैंदियां ने। यह है बहुत ही आलीशान बड़ा रमणीक जगह है और आओ इत्थों दा मैं पहला आस पास दे जिहड़ा होर भी दृश्य आप जी नूं दिखा देवां। इस पासे ठाठा मार दा दरिया सतलुज वगदा है, बिल्कुल सतलुज दे कंडे ते है क्योंकि सतगुरां दा किन्ना प्यार सी नदियां दे नाल दरियावां दे नाल पहाड़ां दे नाल। वो सानूं इत्थों नज़र आउंदा है कि गुरु साहिब जी ने जिन्ने भी अस्थान वसाए वह सारे ही नदियां पहाड़ां दरियावां दे किनारे ते सन। ये तुसी देख सकते हो पौंटा साहिब भी जिहड़ा है वो दरिया जमुना दे किनारे ते। ये आनंदपुर साहिब दा इलाका और ये अस्थान सतलुज दे किनारे ते और गुरु साहिबां दा जो जन्म स्थान पौंटा साहिब पटना साहिब सॉरी वो गंगा दे किनारे ते और सतगुरां दा जो ज्योति जोत अस्थान वो गोदावरी दे किनारे ते श्री हजूर साहिब। चार चफेरे तुसी पहाड़ियां दे दृश्य ये मैं दृश्य आप जी नूं बिल्कुल गुरद्वारा साहिब दे अंदर तो विखा रहा। तुसी बने हुए हो अपने दोस्त गुरवेल सिंह दे नाल। दोस्तों जेकर तुहानूं ये साडियां वीडियोज़ चंगियां लगदियां होर इस तरह दियां वीडियोज़ देखण लई तुसी साडे चैनल नूं भी सबसक्राइब जरूर करो जी। बदलों तक छूंदा है ये निशान साहिब खालसे का, झूलते निशान रहे गुरु पंथवां राज के। बड़ा ही प्यारा इमारत गुरद्वारा साहिब का मनमोहक दृश्य गुरद्वारा श्री बिपौर साहिब। आओ चलते हाँ अगे तो नतमस्तक होंदे हाँ सतगुरां दे अस्थान ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं। इत्थों असी हुण अंदर दाखिल हो रहे हाँ दरबार हाल दे। मैं दर्शन करवा रहा हाँ अंदरों आप जी नूं
गुरु दरबार हाल दे गुरद्वारा बिपौर साहब आनंदपुर साहब तो दर्शनों लई आउण वालियां इत्थे हज़ारां दी गिनती विच संगतां पहुँचदियां हन अते आके गुरु साहब जी दे इस पवित्र पावन अस्थान ते नतमस्तक हुंदियां हन। गुरद्वारा बिपौर साहब दे मैं तुहानू चार चफेरियों परिक्रमा दे दर्शन करवा रहा हाँ। जंगलों ते पहाड़ों विच घिरी आनंदपुर साहब की पवित्र पावन धरती, वो धरती जिथे कलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की सिरजना की और जिस जगह ते सतगुरां ने अनेकां लड़ाइयां लड़ियां, जंगली जानवरां दे नाल भी भरपूर है क्योंकि पहाड़ां ते जंगलां दे विच जे मनुखां नूं रहिण दा अधिकार है ते इन्हां बेजुबाने जीवां नूं भी वो अधिकार है। ये देखो कितना प्यारा जंगल है गुरुद्वारा साहब के आस पास। कई बार कुछ लोग कहते ने कि जानवर आके सानू बहुत तंग करते हैं पहाड़ों पर, ये जानवर जदों आते हैं जंगलों च, पर मैं ये कहना चाहुंदा ये साडे इलाके विच नहीं आए, असी इन्हां दे इलाकियां च आ गए ते असी इन्हां दे बहुत सारे इलाके है जिहड़े वो अपने कब्जे विच कर ले। हुण ये जंगली जीव बेचारे कित्थे जाण, जंगल असी खत्म कर दित्ते ते जिथे इन्हां नूं फिर कुदरती वातावरण मिलदा है उत्थे जीव रहिंदे ने। इस पासे ये तुसी देख सकते हो नदी, बहुत प्यारा दृश्य। गुरद्वारा बिपौर साहब नंगल तो तुसी देख रहे हो, सतसंग जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं गुरवेल सिंह आप जी नूं दर्शन करवा रहा सी गुरद्वारा बिपौर साहब दे, ते इस तो बाद होर किसी गुरद्वारा साहब दे दर्शन करवाने लई आप जी नूं लैके चलांगे। दो इजाजत अपने दोस्त अपने होस्ट अपने सेवक गुरवेल सिंह नूं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।